भाई साहब पानी देख रहे हो, ये है काठजोड़ी रिवर, हम इसके सीधे से जाएंगे एकदम। और ये है नया बस स्टैंड कटक का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर फ्रेश व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड एब्सोल्युटली फाइन। आज एक नया व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं जा रहा हूँ कटक, यहाँ पे मेरा भाई एंड मेरा गाड़ी। सो जो लोकेशन में मैं खड़ा हूँ वो है पास्ट रोमे रोड। ये रोड जाता है भद्रक को एंड दिस रोड जाता है कटक। एंड भाई लोकेशन देखो, आज का जो मौसम बना है ना, तो अभी भी बारिश हो सकता है। और ये भाई देखो गांव का लोकेशन, गांव का भाई हर समय कुछ अलग होता है। सो अलग के बीच पे हम लोग कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ जगह हम लोग घूमने भी जा सकते हैं। आगे प्लान है हमारा, देखते हैं प्लान कितना सक्सेस हो सकता है, नहीं हो सकता है वो तो बाद में ही पता चलेगा। ये है केंद्रपाड़ा का तिन्नीमोहनी स्क्वायर। हमारा आज का रूट रहेगा केंद्रपाड़ा, देन सालेपुर होके, जगतपुर होके, महानदी ब्रिज होके हम लोग कटक एंट्री करेंगे। दोनों तरफ से रास्ता जाता है, एक तो चंडी होल होकर जाता है, एक तो सीधा चला जाता है जो जगतपुर की तरफ जाता है। हम लोग सीधा रहेंगे। और यहाँ पे है केंद्रपाड़ा का मस्त एक जाना माना मंदिर है, जो कि तुलसी क्षेत्र नाम से जाना जाता है केंद्रपाड़ा को। यहाँ पे बलदेव जीव का मंदिर है, यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हैं। केंद्रपाड़ा में बहुत सारा पिकनिक स्पॉट है एंड टूरिस्ट प्लेस है। वन ऑफ देम बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है भीतरकनिका। यहाँ पे मतलब लोगों का हेलमेट तो छोड़ो, वो बात छोड़ दो, हेलमेट 90% लोग हेलमेट नहीं पहने। उसके बाद भाई बिना इंडिकेटर में कैसे काट लेते हैं यार, बहुत सारा एक्सीडेंट होता है पता है ये एरिया में ना, बहुत सारा एक्सीडेंट, कॉलेज है, स्कूल है, बहुत सारा एक्सीडेंट इसी वजह से होता है, बिना इंडिकेटर में काट लिए। अरे भाई यार कुछ तो शर्म करो यार, लोगों का जान जा रहा है, तुम लोग बिना इंडिकेटर में ट्रैवल। ये देखो एक महिला है, क्या बोले, ये देखो वो बिना इंडिकेटर यार, मजा ही मजा है इनका। और यहाँ से केंद्रपाड़ा एंड होता है, यहाँ से शुरू होगा वो जो मैं बोल रहा था, एक तो पारादीप के तरफ जाता है और एक चंडीखोल के तरफ जाता है। हम लोग जाएंगे सीधा, जब हम लोग एक आगे प्लान कर रहे हैं एक सीक्रेट वाटरफॉल के तरफ जाएंगे तो मैं रास्ता बता दूंगा। और ये वाला वीडियो मेरा आगे भी है, मैं आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। ये है सालेपुर का मार्केट एरिया। उस समय पूरा ताबड़तोड़ जाम रहेगा इधर, ये क्रॉस होने के बाद खत्म। ये आगे आ गया है जगतपुर। जगतपुर से हम लेफ्ट साइड लेंगे टुवर्ड्स कटक। ये चंपती है, चंपती के बाद जगतपुर आ जाएगा, उसके बाद हम लेफ्ट साइड लेंगे, लेफ्ट साइड कटक से फिर से रिंग रोड लेके हम लोग एंट्री करेंगे अट्टियों पे। शायद इधर बारिश हुआ है कल रात को या फिर सुबह सुबह को, पानी है। और यहाँ से विशाखापट्टनम 446 किलोमीटर एंड भुवनेश्वर 27 फ्रॉम जगतपुर।
गाइस पानी देख रहे हो, महानदी हम लोग कितना बार क्रॉस किए, पानी देख रहे हो गाइस, अभी भी फुल पानी नहीं है, वहाँ पे पानी हो जाता है, वहाँ पे कुछ समय के बाद पानी हो जाता है जब बाढ़ आता है ना बहुत ज़ोर से। अभी शायद हीराकुद इतना गेट नहीं खुला है तो पानी इतना नहीं है, नहीं तो ये सब डूब जाता है। कटक में आप लोगों का सबका स्वागत है। वाह, ये ब्रिज जब नहीं था तब हम नीचे से जा रहे थे भाई साहब, इतना ताबड़तोड़ जाम होता है ना, मत पूछो यार, ये क्रॉस करने के लिए 2-3 मिनट तो ऐसे ही लग जाता है। अंकल इंडिकेटर तो ऑन कर दिया, इंडिकेटर और ये हम घूमते हुए कटक सिटी के अंदर। और ये है नया बस स्टैंड कटक का, कुछ दिन पहले इनॉग्रेशन हुआ है।